जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मोबाइल में चार्जिंग 67% बता रहा है, और फिर भी इस मोबाइल को अगर हम चार्जिंग से हटाने के बाद अगर ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं ले रहा है ये मोबाइल। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इसमें बैटरी भी ख़राब हो सकता है, यानी तो बैटरी शॉर्ट भी कर सकता है। तो देखते हैं बैटरी रिपेयर करके, अगर बैटरी रिपेयर करने के बाद अगर इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो डैट्स ओके, अदरवाइज नहीं तो बैटरी इसका चेंज करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। बैटरी के कवर को रिमूव कर लेंगे हम लोग। स्मूथली रिमूव करेंगे, बचाकर कहीं से कोई वायर ब्रेक ना करे। सटा हुआ होता है बोर्ड के ऊपर बैटरी के बैक में, इसको भी रिमूव करेंगे हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है, ये टूट सकता है, इसको आराम से थोड़े बोर्ड बजाते हुए निकाल लें। इसको ये निकाल लिया है मैंने, इसका सेफ्टी गार्ड होता है बोट के प्रोटेक्शन के लिए है। वो बोट को खोलते वक्त ध्यान रखें कि बोट शॉर्ट ना करे कहीं से भी। तो ये हमारा बैटरी का बोर्ड बाहर आ चुका है, देख सकते हैं ये बैटरी का बोर्ड है। ये और जूम करता हूँ मैं, इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे। कंटिन्यूटी मोड पर रखने के बाद
ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये डायोड लगा होता है। इस डायोड को पहले हम लोग चेक करते हैं कंटिन्यूटी दे रहा है या नहीं। ये बीप, हमारा मल्टीमीटर बीप दे रहा है यानी कंटिन्यूटी ये ले रहा है। ओके, कंटिन्यूटी ले रहा है ये डायोड हमारा, यहाँ से यहाँ पे करंट यानी पास कर रहा है। तो ये डायोड जो है हमारा, इस डायोड को हम लोग शॉर्ट करेंगे। इस डायोड को शॉर्ट कर लेना है, ये जो देख रहे हैं आप। अगर इसके बावजूद शॉर्ट करने के बाद अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब बैटरी को चेंज करेंगे, अदरवाइज इससे काम चल जाएगा हमारा। और काफ़ी अच्छा बैकअप देता है, फिर किसी तरह का कोई इशू भी नहीं आएगा आपको। तो चलिए लेट्स इसको शोल्ड कर लेते हैं। वो देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसको सोल्ड कर दिया है यहाँ पर, इस डायोड को शॉर्ट कर दिया है। और मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ जूम मैंने कर लिया, यहाँ देख सकते हैं कि इसे मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया है। बस अभी से मैं मोबाइल में लगाता हूँ, लगा के चेक करता हूँ। तो चलिए चेक करते हैं। इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। मोबाइल की बैटरी को पैक कर लिया है पूरी तरह से, देख सकते हैं। और चलिए अब इसको लगाते हैं मोबाइल में। रिस्टार्ट करते हैं मोबाइल को। देखते हैं कि हमारा सक्सेस हुआ या नहीं। लाइट चला गया है, सॉरी। मैं इन्वर्टर ऑन कर लेता हूँ जब तक मोबाइल स्टार्ट हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि लाइट ऑफ हो चुका है और मैंने अभी फ़िलहाल इन्वर्टर अपना इमरजेंसी ऑन कर रखा है, और मैं इसे दिखा देता हूँ आपको कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने अभी अभी बैटरी लगाया है, जो बैटरी रिपेयर किया उसको लगाया मैंने। और अब मैं इसे स्टार्ट करूँगा। मैंने मोबाइल को स्टार्ट किया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मोबाइल हमारा पहले स्टार्ट करने के थोड़ा देर बाद तुरंत ऑफ हो जा रहा था, और अभी ये मोबाइल स्टार्टअप ले रहा है, अभी तक बंद नहीं हुआ ये मोबाइल। हालांकि मैंने पहले ही ऑन करके देख लिया था, बट वीडियो बीच में लाइट ऑफ हो जाने के कारण ब्रेक हो गया हमारा,
तो फिर से मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ ऑन कर करके, ताकि आप लोग भी पूरा देख लें स्टार्टअप किस तरह से ले रहा है। तो ये हमारा मोबाइल सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इस पे आराम से हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं स्टार्टिंग के दौरान। तो हमारा जो वीडियो है वो सक्सेस हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे वीडियो को सब सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।